नमस्कार, स्वागत है आपका जस हिंदी टीवी पर। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। इस हफ्ते चर्चा द ट्रुथ के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो विषय हम लेकर आए हैं आपके सामने वो है फिल्म का। ये फिल्म है शाहरुख खान की और नाम है जवान। इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिल रही है। बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी हैं वो भी ट्वीट करके इस फिल्म को मस्ट वॉच बता रहे हैं। आनंद महिंद्रा भारत के जो है वो बहुत जाने पहचाने उद्योगपति हैं, आनंद महिंद्रा, उन्होंने एक बहुत तारीफ़ की है। और ध्रुव राठी एक जाने माने, दुनिया भर में जो है उनके यूट्यूब वीडियोज़ काफ़ी पसंद किए जाते हैं, उन्होंने भी इसे मस्ट वॉच कहा है। और बहुत से लोग जो इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस फिल्म के ज़रिए ये कोशिश की गई है कि जो भारत के इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या फिर सोशल इश्यूज़ हैं उनको भी जो है लोग समझे या फिर उस पर विचार करें, उस पर चर्चाएं करें। इस तरह का एक मैसेज इस फिल्म में देने की कोशिश की गई है। हालांकि इस फिल्म की जो कमाई है वो भी रिकॉर्ड तोड़ रही है और बहुत अच्छी कमाई ये कर रही है फिल्म। तो इसके लिए जस हिंदी की तरफ से हम बधाई देना चाहेंगे शाहरुख खान को, क्योंकि उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो दुनिया भर में, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वो पूरी दुनिया के एक स्टार माने जाते हैं। और इस फिल्म पर बातचीत करने के लिए और हिंदी फिल्म को जो है क्योंकि पिछले कुछ समय से जो हिंदी फिल्म है आलोचनाओं का भी सामना कर रही थी, इसीलिए ये फिल्म क्यों अहम है, इस फिल्म में जो संदेश दिया जा रहा है उस पर भी चर्चा करना क्यों ज़रूरी है, ये सब हम समझेंगे अगले इस पूरे एक घंटे में अपनी चर्चा द ट्रुथ के इस विषय के ज़रिए। हमारे साथ बेहद ही विशिष्ट मेहमान जुड़ चुके हैं मुंबई से, जो कि फिल्मों के जानकार हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के। उनका स्वागत करते हैं। पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से अमिताभ श्रीवास्तव हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका चर्चा द ट्रुथ में। और हर हफ्ते हर हफ्ते हम चर्चा द ट्रुथ में एक सच की तलाश करते हैं, उस सच को समझने की कोशिश करते हैं। और आज का विषय है फिल्म जवान, शाहरुख खान की फिल्म। इसका सच क्या है, जो तारीफें मिल रही हैं इसके बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि फिल्म पर आपकी जो समझ है वो व्यापक तो है ही लेकिन बहुत ही गूढ़ भी है। अमिताभ जी, बहुत धन्यवाद नेहा जी आपका इस कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। मैं एक छोटी सी सफाई देना चाहता हूँ, मैं मुंबई में नहीं हूँ, मैं फिलहाल नोएडा में बैठा हूँ। तो बहरहाल जो फिल्म का आपका मुद्दा है वह बिल्कुल, मैंने फिल्म देखी है और फिल्म देखने के बाद जो आपका पहली जो आपकी जिज्ञासा है कि इस फिल्म का जो एक लोकप्रियता है उसका क्या कारण है। देखिए, मैंने जब एक फिल्म को तीसरी फिल्म को देखा तो इसमें जो कुल मिलाकर के कसावट है इसकी कहानी में, देखिए कहानी तो जवान जो है वो एक एक्शन फिल्म है और एक्शन फिल्म में हमने देखा है कि आमतौर पर जो एक्शन फिल्में होती हैं उनमें काफी मारधाड़, काफी सस्पेंस, काफी वायलेंस वगैरह होती है, वो सब इसमें है। इस फिल्म की खासियत क्या है कि जो इसका एक रिवेंज वाला प्लॉट है, यानी इसमें तो शाहरुख खान है, शाहरुख खान एक नहीं है, दो दो शाहरुख खान है। एक शाहरुख खान को हमने पठान में देखा था, एक अकेले शाहरुख खान थे जिन्होंने उस फिल्म में धमाल कर दिया था दीपिका पादुकोण के साथ मिलकर के, और वो उनकी वापसी का एक बहुत शानदार मतलब उसने झंडा फहराया था बॉलीवुड में वापसी का, और एक तरीके से कहा जाए जो उनकी फिल्मों के फ्लॉप होने का सिलसिला था वो टूटा था, और उसके बाद बॉलीवुड में एक नए सिरे से जान आ गई थी। यानी इस साल की शुरुआत में जब पठान रिलीज हुई थी जनवरी के महीने में, तब जो है उससे पहले 2022 का साल जो है वो हिंदी फिल्मों के लिए बहुत खराब गया था और बड़े बड़े फिल्म स्टार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अंधेरों गिर पड़ी थी। अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, तमाम सारे लोगों की फिल्में फ्लॉप हुई थी। तो शाहरुख खान की फिल्म पठान ने वो एक कहना चाहिए कि वो एक बुरा सिलसिला तोड़ा, और पठान से शाहरुख खान की वापसी हुई, शाहरुख खान को लेकर के जो तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज चल रही थी उससे वो सारा सिलसिला टूटा और पठान जबरदस्त हिट साबित हुई। इस साल की अब तक की सबसे बड़ी हिट पठान ही है। अभी गदर ने आकर के पठान को के करीब जाकर के कम से कम कहीं ना कहीं वो एक कामयाबी हासिल की है जो। लेकिन जवान जो है, जवान ने पहले दिन में जो कमाई की वो उस कमाई ने पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी शाहरुख खान ने शाहरुख खान का ही रिकॉर्ड तोड़ा है आप ये कह सकते हैं। तो शाहरुख खान जो है वो अभी तक हम उनको पहचानते थे पठान से पहले कि उनकी जो इमेज थी उसमें वो एक लवर बॉय के तौर पर या एक रोमांटिक हीरो के तौर पर पहचान ज्यादा थी। अगर हम याद करें तो शाहरुख खान की फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसको हम DDLJ कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या कुछ कुछ होता है, या दिल तो पागल है, इस तरह की फिल्में जो थी उन्होंने, मोहब्बतें, इस तरह की फिल्मों ने शाहरुख खान की इमेज एक रोमांटिक हीरो की बनाई थी, और रोमांटिक हीरो के तौर पर उनको जबरदस्त पॉपुलैरिटी, जबरदस्त कामयाबी, उनका जबरदस्त क्रेज था, लड़कियां उनकी दीवानी थी, युवा लोग उनकी मोहब्बत के तरीकों को, उनके उनके मैनरिज्म को कॉपी करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन एक्शन हीरो के तौर पर जब शाहरुख खान लौटे हैं
पठान में, और जवान में जो उन्होंने एक्शन दिखाया है वो पठान से भी थोड़ा आगे है। लेकिन बीच में जैसे आपने कहा कि मुझे याद आती है कि फिल्म चक दे भी आई थी, जिसके जरिए जो है उन्होंने जो मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि किस बैकग्राउंड के आप होते हैं और उसका जो इल्ज़ाम है आपके प्रोफेशन में भी आ जाता है, और फिर उसको धोने की कोशिश में लगे होते हैं उस किरदार में शाहरुख खान, और ये भी फिल्म जो है काफ़ी सक्सेसफुल रही थी और उनकी काफ़ी तारीफ भी हुई थी। मुझे इसलिए ये बात याद आई कि मौजूदा वक्त में हिंदी फिल्मों का जो हाल है, जो आलोचनाएँ हिंदी फिल्मों को झेलनी पड़ रही हैं, अभी पिछली फिल्म में ही जब शाहरुख खान की आई थी और एक गाना था और दीपिका पादुकोण के कॉस्ट्यूम को लेकर जो है काफ़ी विवाद हुआ था, लगभग बीजेपी के जितने भी मंत्री नेता हैं वो टिप्पणी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जो आरएसएस का एजेंडा है वो भी हिंदी फिल्मों की कार्यशैली को प्रभावित करता भी नजर आया। ये बहुत इसलिए भी अहम हो जाता है कि जब हम एक फिल्म में देखते हैं कि शाहरुख खान सोशल इश्यूज की बात कर रहे हैं या फिर पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या बॉलीवुड में बदलाव आ रहा है और इस बदलाव में शामिल है स्वयं शाहरुख खान, जिन पर आरोप लगते रहे, कितनी बुरी तरह से ट्रोलिंग का भी वो सामना कर चुके हैं, इसके बावजूद शाहरुख खान की फिल्म में इस तरह की झलक या फिर इस तरह का संदेश दिया जाना, अमिताभ जी क्या बदल रहा है? देखिए ये जो आपने बदलाव की बात कही है, इस तरह का बदलाव बॉलीवुड में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमारी समय समय पर आता रहता है। देखिए ये हमको मानना चाहिए कि हमारी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो एक किस्म से फॉर्मूलों पर चलती है। वो कुछ अगर एक लव स्टोरी हिट हो जाती है तो सब लोग लव स्टोरी बनाने लगते हैं, अगर एक एक्शन फिल्म हिट हो जाती है तो सब लोग एक्शन फिल्म बनाने लगते हैं, अगर कोई कम्युनल हारमोनी पर फिल्म हिट हो जाएगी तो कम्युनल हारमोनी पर फिल्म बनाने लगेंगे, अगर कोई बायोपिक हिट हो जाएगी तो फिर बायोपिक्स का दौर शुरू हो जाता है। तो फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि लोगों को देखिए ऐसा है निहादी कि फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें कला का भी मामला है और जिसमें कॉमर्स का भी मामला है जी। अगर आप पैसा लगाते हैं, आप पैसा लगाते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया लगाकर फिल्म बनाते हैं, तो आप जाहिर बात है आपकी ये उम्मीद होगी और होनी भी चाहिए कि आपका वो पैसा वापस लौटे। तो 100 करोड़ की फिल्म के लिए 200-300 करोड़ की कमाई होगी, अगर 500 करोड़ की कोई फिल्म है, मान लीजिए लागत उसकी 500 करोड़ है, तो निर्माता जरूर चाहेगा कि कम से कम 700-800 करोड़ रुपए की कमाई हो, ताकि जाकर के वो उसका जो मुनाफा है वो एक ठीक ठाक मुनाफा हासिल कर सके। जहां तक इस फिल्म का ताल्लुक है और आपने जो बदलाव की बात कही, जैसे मैंने कहा कि बदलाव भी अपने आप में एक फॉर्मूला है। अगर आप देखें तो फिल्म इंडस्ट्री में बीच बीच में इस तरह की फिल्में आती रही हैं, पहले भी आती रही हैं, जिसमें कोई सोशल मैसेजिंग हो। शाहरुख खान की ही एक फिल्म आपको मैं याद दिलाता हूँ, स्वदेश उसका नाम था, स्वदेश जो कि बनाई थी, जिन्होंने लगान डायरेक्ट की थी, आशुतोष गोवारिकर, उन्होंने फिल्म बनाई थी, और उसमें शाहरुख खान ने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई थी जो कि नासा में काम करता है, लेकिन नासा से लौट करके वो एक गांव में आता है, अपने गांव में जहां उसकी जड़ें हैं, और उस गांव में वो बिजली की समस्या को दूर करता है और गांव के लोगों के साथ मिल करके फिर वो वही रहने लगता है, फिर वो नासा नहीं जाता। तो एक तरीके से जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, उस ब्रेन ड्रेन को एड्रेस करते हुए वो एक फिल्म बनाई गई थी, और उसमें बड़ा पॉजिटिव मैसेज था कि अगर आप लौट करके अपने देश आते हैं और देश के लिए कुछ काम करते हैं तो ये इसका भी अपना एक सकारात्मक संदेश जाता है आपके समाज में। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे इस तरह के किस्से हमारे इर्द गिर्द, असली किस्से बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं, जहाँ की बहुत सारे लोग जिन्होंने की अच्छी शिक्षा प्राप्त की, तकनीकी शिक्षा प्राप्त की, वो विदेश गए, उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स में काम किया, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर काम किया, लेकिन वे लौट करके अपने गाँव आए, वो गाँव में किसी न किसी समाज सुधार के काम में जुटे, या उन्होंने राजनीति में हिस्सा लिया, फिर राजनीति के जरिए उन्होंने समाज में सुधार लाने की कोशिश की। तो ये चीजें हैं। जहां तक जवान का ताल्लुक है, मैं आपने चूंकि इस फिल्म की बात की, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस फिल्म में जो इश्यूज, आपने चूंकि आनंद महिंद्रा और इन सब तमाम लोगों का नाम लिया, देखिए इस फिल्म में एक मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जैसा मैंने कहा कि एक एक्शन फिल्म है और इसमें एक रिवेंज स्टोरी है, जो कि आम जो हिंदी फिल्म के मतलब खांचे में देखा जाए, उसके जो प्रेम है, प्रेम में बहुत कॉमन है कि एक हीरो है, एक विलेन है, और हीरो के साथ कुछ गलत होता है, विलेन कुछ गलत करता है, और फिर हीरो जो है वो उसको बदला लेता है, या तो हीरो बदला लेता है, या उसका बेटा बदला लेता है, या हीरो और उसका बेटा दोनों मिलकर बदला लेते हैं, और अगर वो हीरो डबल रोल में है, यानी बाप और बेटा वो खुद ही बनाए, तो वो दोनों तरह से बदला लेता है किसी न किसी तरीके से। हमने ये तमाम फिल्मों में ये फॉर्मूला देखा है, तो यहाँ पर भी वही बात है। क्या शाहरुख खान बदला लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी निजी जिंदगी में भी काफी कुछ हुआ है? जी बिल्कुल इसी तरफ आ रहा था जो आपने इशारा किया। ये फिल्म जो है इसमें भी तमाम हिंदी फिल्मों की तरह इसके मूल में जो है वो एक कहानी एक बदले की है, एक जवान है, यानी फौजी जवान है, उस जवान के साथ खलनायक ने कुछ किया है, कुछ बहुत बुरा किया है,
और वो जब उसकी एंट्री होती है फिल्म में, जहाँ पहला सीन है जहाँ शाहरुख खान की एंट्री होती है, वहाँ हम देखते हैं कि वो जवान जो है घायल अवस्था में है, और घायल अवस्था में वो घायल अवस्था में ही आकर के जिस जगह वो है वहां पर कुछ लोग हमला करते हैं, उन हमलावरों से मुकाबला करता है और वहां के लोगों को वो राहत दिलाता है। और फिर उस सीन के बाद, यानी वो जो सीन है जहाँ शाहरुख खान की एंट्री होती है, उस सीन पर जो तालियां बजती हैं सिनेमा हॉल में, उससे आप शाहरुख खान को लेकर के जो एक नई दीवानगी है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। जो ये बदलाव की बात मैं कर रहा हूँ और जो रिवेंज की बात कर रहा हूँ, इस फिल्म में खास बात क्या है कि इसमें एक सोशल मैसेजिंग है। जैसे इस फिल्म में जब ये छलांग लगा करके 30 साल बाद यानी आज के दौर में पहुंचती है और हम देखते हैं कि एक मेट्रो ट्रेन को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है, उसमें बहुत सारे यात्री हैं, तो वहां पर जो हाईजैकर है जो कि शाहरुख खान है एक दूसरे रोल में, वो डिमांड करता है कि भाई जो किसानों का कर्जा है 40,000 करोड़ का या जो आपने रकम दी हुई है, आप उसको जो है माफ कराइए, आप उसको जो है वो खाते में जमा कराइए किसानों के खाते में। तो वो किसानों के कर्जे, उनकी आत्महत्या से जुड़ी कहानी सामने आती है, उसको हम देखते हैं कि किसी अतीत की घटना में कुछ कुछ ऐसा हुआ है, और वो जो हमारा हीरो है वो तो यानी जो भारत की सच्चाई है, जो भारत की समस्याएं हैं, उसकी झलक ही फिल्म में देखने को मिल रही है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, एक तो ये कि जो समसामयिक मुद्दे हमारी राजनीतिक व्यवस्था के हैं, जैसे हमारा जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें जो भी हमारे मुद्दे हैं, जैसे किसानों की आत्महत्या का मुद्दा है, उसमें बैंकों का जो की जो कर्ज नीति है, यानी आप बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर देते हैं, करोड़ों के कर्जे माफ कर देते हैं, लेकिन किसानों के छोटे कर्जे माफ नहीं करते, उनसे वसूली के लिए कुछ ऐसी अमानवीयता दिखाते हैं, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। दूसरी तरफ आपने हथियारों की खरीदों में जो घोटाले हो रहे हैं, आपके स्वास्थ्य सेवाएं घटिया हैं, आपके जो कहना चाहिए जो भी मशीनरी है उस मशीनरी में जो भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं वो हाईलाइट करती है फिल्म, इसलिए इसका एक अलग सोशल मैसेजिंग चली जाती है। दूसरी बात ये जो आपने निजी जिंदगी की बात कही थी शाहरुख खान की, हम सब जानते हैं कि शाहरुख खान मैं उस पर बाद में आना चाहती हूँ, अमिताभ जी रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा मुझे, मैं उस पर बाद में आना चाहती हूँ। लेकिन कुछ एक वीडियोस मैंने भी देखे हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें एक में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप पूछिए जिसको आप वोट देते हैं कि जब वो बीमार हो जाएंगे तो उसको क्या जो है उसको इलाज मिल पाएगा, और आप पूछिए कि शिक्षा जो है वो किस तरह की दे पाएंगे, इस तरह से मत देने से पहले आप पूछिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सारे जो मुद्दे हैं ये वर्तमान में राजनीतिक मुद्दे हैं और जिसको विपक्ष उठा रहा है, क्या ये आपको बहुत बहुत दिलचस्प पॉइंट उठाया, और मैं इसीलिए ये कहूंगा कि ये फिल्म जो है मसाला, एकदम मसाला फिल्म है, एकदम टोटल मसाला कमर्शियल फिल्म है, इसमें कोई ये कोई आर्ट सिनेमा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये जो मुद्दे उठा रही है वो हमारी आज की जो पॉलिटिक्स है, यानी जो मौजूदा पॉलिटिक्स है, उससे कहीं ना कहीं जुड़ जा रहे हैं। जो सारे मुद्दे आपने गिनाए, मैंने गिनाए, उनका कहीं ना कहीं हमारी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से सीधा ताल्लुक है, और पक्ष विपक्ष की राजनीति इसी पर टिकी हुई है। तो ये चीज जो है, और खासतौर से अगर हम ये देखें, ये फिल्म जब रिलीज हुई है तो देश में चुनावों का माहौल है, अभी हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में अगर ये फिल्म कहीं ना कहीं मतदाताओं से ये कहती है कि भाई आज जो है अपनी वोट देने वाली जो उंगली है आपकी, आप उस उंगली को आप सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। शाहरुख खान इस फिल्म में एक जगह इस संदेश देते हुए नजर आते हैं, लोगों से सीधे वीडियो पर बात करते हैं कि भाई आपको जो है, जो उनका शाहरुख खान का जो रोल है, किरदार जो है आजाद नाम का, वो लोगों से कहता है कि भाई आपको तो समझ कर इस उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो लोग आपसे वोट मांगने आते हैं आप उनसे 5 साल का हिसाब मांगिए, आप मांगिए कि भाई उन्होंने आपके लिए क्या किया। तो ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं एक जन जागरण की जो एक बात उठाती है ये फिल्म, ये बहुत दिलचस्प है, और ये इसको मसाला सिनेमा के खांचे में ही कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग साबित करती है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं नेहा जी, कि ये जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है इसमें इस तरह की कहानियां बहुत पहले बन चुकी हैं। ये कॉमन मैन इमर्ज करता है कहीं से, और वो कॉमन मैन जो है वो सिस्टम पर सवाल उठाता है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो नसीरुद्दीन शाह की एक फिल्म आई थी ए वेडनेसडे, उसमें भी कुछ इसी तरह का मामला था कि वो एक कॉमन मैन होता है, और कॉमन मैन किस तरह से टेररिज्म के सवाल पर किस तरह से रिएक्ट करता है, कैसे कुछ लोगों को सजा दिलाता है। इसी तरह से अगर आप याद करें अमिताभ जी रोक रही हूँ आपको, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसी जितनी भी दक्षिण भारतीय फिल्में बनती हैं उन अलग अलग भाषाओं में, इसी तरह की जो आम इंसान की जो है कहानियाँ होती हैं, और वैसे ही वो सिस्टम को बदलने की हीरो जो है कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हिंदी सिनेमा में ये चलन खत्म हो गया था, जो साउथ इंडिया फिल्मों में देखा जा रहा है। हिंदी सिनेमा में जैसे मैं पहले ही कह चुकी कि एक अनडिक्लेयर सेंसरशिप चल रही थी,
तो शाहरुख खान की ये फिल्म करना और फिल्म के जरिए ये मैसेज देना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शाहरुख खान को सब जानते हैं कि ही इज़ अ वेरी विटी पर्सन, वो बहुत ही जो है बुद्धिजीवी स्वयं भी हैं। और निजी जिंदगी में अब मैं आती हूँ आपके इस उत्तर आपसे लेना चाहती हूँ सवाल का, जो निजी जीवन में उनके साथ पीछे कुछ समय में हुआ है, उनके बेटे को जिस तरह से मामले का सामना करना पड़ा और उसके बाद अभी भी ये मसला जो है वो चल रहा है कोर्ट में, तो क्या ट्रोलिंग का उन्होंने सामना किया, बिटरनेस, और कहीं ना कहीं उनको एक धर्म विशेष से भी जो है बार बार इसको इसे लेकर ट्रोल किया गया, उनकी जो फिल्म पिछली फिल्म आई थी उसे भी लेकर वो जगह जगह जो है इस तरह की खबरें भी आई और कुछ उन्होंने स्वयं ट्वीट भी किया, कुछ नेताओं को उन्होंने फ़ोन भी किए थे कि आप मेरी फिल्म जो है वो रिलीज़ होने दें, वो इस तरह से लोगों से निवेदन कर रहे थे, और उसके बाद इस तरह का मैसेज एक फिल्म के ज़रिए लेकर आना, क्या शाहरुख खान ने कुछ सोचा होगा इस तरह की फिल्म बनाने का कि ये फिल्म बनानी चाहिए, और अब जब जिस रूप में ये फिल्म आई है हमारे और आपके सामने, ये बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रही है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं, कोई ट्रोल नहीं कर रहा है, इस बदलाव पर मैं आपसे जी समझना चाहती हूँ। जी देखिए, आपने शाहरुख के बारे में जो बातें कही, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा कि शाहरुख खान, देखिए, एक जैसा आपने खुद ही कहा कि वो बहुत बुद्धिजीवी, वो एक समझदार किस्म, वो एक इंटेलिजेंट किस्म के इंसान है, और वो जानते हैं कि हाँ उन्हें अपनी बात को कैसे रखना है। यानी पर्दे पर वो एक हीरो का जो जिस तरह का नायकत्व निभाते हैं वो एक अलग मसला है, क्योंकि वो एक किस्म की आइडेंटिटी उनकी क्रिएट की हुई आइडेंटिटी है, वो जो उसमें स्क्रिप्ट राइटर का डायरेक्टर कहाँ था और खुद उनके एक्टर कहाँ थे, लेकिन पर्दे के बाहर वो जिस तरह से चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं वो उनकी एक्चुअल इंटेलिजेंस को दिखाता है। और अगर आपको याद हो तो 2015 में उन्होंने जो एक बयान दिया था इंटॉलरेंस को लेकर के, उस बयान के बाद से उनके खिलाफ लगातार माहौल बनाया जाता रहा, कहीं ना कहीं उनको लगातार एक खास विचारधारा के लोगों ने इनको घेरना शुरू किया और उनके पीछे तमाम सारे लोग लगे। फिर जो अभी आपने बात कही निजी वाली, उनके बेटे को ड्रग्स के केस में किस तरह से इन्वॉल्व किया, वो किस तरह से फंसे, किस तरह से उनके खिलाफ सारा माहौल बना, किस तरह से उनके बेटे जेल गए, और वो उस तमाम दौर में शाहरुख खान को लेकर के उनके ऊपर किस तरह के संदेह किए गए, क्या क्या नहीं कहा गया मुख्य धारा के मीडिया में भी और तमाम और जगहों पर सोशल मीडिया में भी तमाम तरह से उनके खिलाफ एक तरह से कैंपेन किया गया। तो उसके बाद पठान फिल्म जब आई थी तो उससे पहले अगर आपको याद हो कोलकाता में फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने ममता बनर्जी, जब वहां की ममता बनर्जी स्टेज पर मौजूद थी, वहां अमिताभ बच्चन भी थे, वहां पर शाहरुख खान ने जो स्टेटमेंट दिया था वो अपने आप में बहुत मानी खेज है, पठान का डायलॉग बोल करके कि मैं और आप सब जिंदा हैं, तो जिंदा है वाला जो एक उन्होंने मैसेज दिया था, उसी तरह का एक डायलॉग जो है इस फिल्म में है। इस फिल्म में जवान में एक जगह पर एक डायलॉग आता है जहाँ जहाँ पर बाप और बेटे दोनों आमने सामने हैं और खलनायक जो है दोनों को मतलब प्रताड़ित कर रहा है, एक तरह से कहा जाए उनकी पिटाई विटाई हो रही है, उसके खलनायक के जो आदमी है उसको पीट रहे हैं। तो वो जो है जो पिता शाहरुख खान है वो कहता है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अब ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग फिल्म के पर्दे पर जितना मनी खेज है, जितना मीनिंगफुल है और जितनी इसको तालियां मिलती हैं उतना ही मानी खेस उतना मीनिंगफुल ये फिल्म के पर्दे के बाहर भी है। आशा है कि हमारे दर्शक भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो समझेंगे कि शाहरुख खान के डायलॉग का इंटरप्रिटेशन क्या किया जा सकता है, कि उन्होंने उन्होंने बिना कुछ कहे सिस्टम में जो लोग हैं उनको भी चेतावनी दे दी कि भाई अगर आपको मेरे बेटे मेरे परिवार के किसी व्यक्ति पर कोई हमला करना है तो पहले मुझसे टकराना पड़ेगा आपको। और शाहरुख खान क्या है ये उन्होंने दिखा दिया है। शाहरुख खान एक पर्सनल एक एक्टर के तौर पर जो उनकी लोकप्रियता थी वो उससे कहीं ज्यादा पॉपुलर होकर के कहीं ज्यादा बड़े शख्सियत के तौर पर वो जो है वो पठान फिल्म के बाद उभरे। और पठान फिल्म को जिस तरह से यानी बेतमाम लोग जो कि बहुत सारे लोग जो कि मसाला हिंदी सिनेमा को पसंद नहीं करते, यानी जिसको बॉलीवुड को वो फैक्ट्री बोलते हैं और वो पसंद नहीं करते, उन तमाम लोगों ने भी फिल्म देखी पठान, बुद्धिजीवियों ने पठान देखी और उसकी इसलिए तारीफ की क्योंकि शाहरुख खान की इस फिल्म पर जिस तरीके के प्रतिबंध लगाए जाने की बात हो रही थी, चाहे वो गाने को लेकर के हो या भगवा रंग को लेकर के हो, बिकनी को लेकर के हो या और तमाम चीजों को लेकर के हो, फिल्म को बैन करने की बात कही जा रही थी, तमाम हिंदूवादी संगठनों ने फिल्म को लेकर के प्रदर्शन किए, लेकिन उसके बावजूद फिल्म न सिर्फ चली रिलीज हुई बल्कि सुपरहिट हुई, रिकॉर्ड तो हिट हुई। जवान जो है जवान अच्छा जवान बिल्कुल जवान में देखिए जवान में क्या है, ये फिल्म जो है देखिए एक ऑर्डिनरी रिवेंज फिल्म नहीं है, हालांकि इसका पूरा ढांचा जो है रिवेंज का है। यानी जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक खलनायक है और एक नायक है, उस नायक के परिवार को खलनायक नायक को किस तरीके से प्रताड़ित करता है, कैसे उसकी जिंदगी जो है वो तबाह हो जाती है, कैसे उसकी पत्नी जो है उसको
उसके उसको फांसी हो जाती है और कैसे वो हर चीज से अलग हो जाता है और उसका बेटा जो है वो जेल में पैदा होता है, जेल में पैदा होकर के फिर वो बड़ा होता है, उसको कोई दूसरी महिला पालती है और वो फिर जेलर बनता है और बाद में दोनों बाप बेटे मिलते हैं और मिलकर के वो किस तरह से खलनायक का सफाया करते हैं, यही इस फिल्म का मूल कहानी है। लेकिन इसमें जो एक किस्म का संदेश जो जिसपे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके आप अभी आपने जिक्र किया कि तमाम बुद्धिजीवी जिसकी वजह से इस फिल्म को मस्ट वॉच कह रहे हैं, वो बहुत रिलीवेंट बातें हैं। नया जी, वो जो सारी बातें जैसा मैंने कहा, मैं एक बार उनको दोहराता हूँ कि उसमें किसानों की आत्महत्या का मुद्दा है, इसमें इसमें हजारों करोड़ों के कर्जों को माफ कर देने का मुद्दा है, और ये भी है कि साहब आप किसानों के कर्जे माफ नहीं करते, किसानों के साथ आप अमानवीय सलूक करते हैं, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति जो है आपका पैसा लेके भाग जाते हैं, आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, आपके घटिया स्वास्थ्य व्यवस्था, आपकी घटिया शिक्षा व्यवस्था, आप ऐसे हथियार खरीद रहे हैं जो कि मौके पर चलते ही नहीं है, मौके पर चलते नहीं है। तो ये तो चीजें हैं, ये तमाम बातें हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी इसमें मुद्दा उठाया गया, इसमें इसमें मीडिया पर भी तंज किया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारा है, जो टेलीविजन मीडिया है, उस पर भी तंज किया गया है, और इसमें वोटर को भी, जो इस देश का आम मतदाता है, उससे कहा गया कि आपको भी जागरूक रहना चाहिए, आपको सजग होना चाहिए, आपको अपने जो नेता है उनसे सवाल पूछते रहना चाहिए। ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस फिल्म को एक थोड़ा सा विशेष बनाती हैं, यानी एक्शन फिल्म होते हुए भी इसमें कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग आ जाती है। एक कंप्लीट पैकेज है ये फिल्म, लेकिन मैं उन ट्रोलर्स को समझना चाहती हूँ अमिताभ जी, वो ट्रोलर्स जिसमें कि कह सकते हैं कि कंगना रनावत जो है ट्रोलर्स की इस आदमी को लीड करती हैं, शायद वो ऐसी नफरती जो है वो ट्वीट्स करती रहती हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो या फिर जो दूसरे इंडस्ट्री के बड़े चेहरे हैं उनके खिलाफ, ये ट्रोलर्स क्यों शांत हैं, शाहरुख खान के लिए जो है कुछ जो उल्टा या फिर जो है विरोधी वाली बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मैं समझना चाहती हूँ। क्या वजह हो सकती है कि ये बदलाव देखने को मिल रहा है शाहरुख खान की फिल्म के लिए? देखिए, एक तो आपने कंगना रनौत का नाम लिया, कंगना रनौत ने तो इस फिल्म को देखने के बाद जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने शाहरुख खान को गॉड बताया उन्होंने उनको गॉड कहा है, यानी वो फिल्म इंडस्ट्री के भगवान है एक तरीके से। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जो इस फिल्म का को लेकर के जो क्रेज है पूरे हिंदुस्तान में कम से कम, तो वो निश्चित तौर पर शाहरुख खान को लेकर के यह साबित करता है कि उनसे बड़ा स्टार फिलहाल हिंदुस्तान में यानी हिंदी सिनेमा में तो बिल्कुल नहीं है, और साउथ में भी कोई नहीं है। साउथ में रजनीकांत या और तमाम लोगों का जो एक स्टार्डम है, शाहरुख खान का स्टार्डम जो है वो चूंकि हिंदी के एक्टर हैं, हिंदी सिनेमा में काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे भी आगे चला जाता है, उनकी एक ग्लोबल उनकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस बन रही है। हमने पठान के टाइम में भी देखा था और आज अपनी जो फिल्म है इसमें भी देखा है कि विदेश में भी शाहरुख खान फिल्मों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक तो ये बात है, ट्रोलर्स के शांत होने का कारण ये है कि उन्होंने पिछली बार जो मुहिम चलाई थी पठान को लेकर के, वो मुहिम फेल हो गई, वो मुहिम पूरी तरह फेल हो गई। और आप देखेंगे इस साल किसी फिल्म के बायकॉट को लेकर के जो मुहिम चलाई गई, मुझे लगता है सिर्फ आदि पुरुष एक ऐसी फिल्म थी जिसको लेकर के एक कैंपेन चलाई गई, और वो कैंपेन एक तरह से कहा लगता है सफल रही, क्योंकि वो एक धार्मिक आधार पर बनी फिल्म थी, उसके जो नायक थे वो हमारे पौराणिक पुरुष हैं, वो हमारे धर्म के देवताओं में उनको गिना जाता है। तो ऐसे ऐसे जो व्यक्तित्व थे उनके बारे में फिल्म बनाने के बाद वो फिल्म अगर दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो उसको लेकर उनकी नाराजगी जरूर थी। लेकिन बाकी जो फिल्में आई, और इस साल मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इस साल अब तक बहुत सारी ऐसी फिल्में रही हैं जो कि जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया, यानी पठान तो थी ही शुरुआत जहां से हुई, उसके बाद अगर आप देखें तो एक के बाद एक बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें अभी गदर 2 ने रिकॉर्ड तोड़ा है, उससे उसके अलावा OMG 2 यानी कि ओ माय गॉड जो उसका सेकंड वर्जन आया, उससे पहले रॉकी रानी के बारे में भी यही बातें हो रही थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी थी, यस रॉकी और रानी की प्रेम कहानी थी, उसने अच्छा पर इन सभी फिल्मों में एक बात थी, अगर मैं गदर 2 को छोड़ दूं, लेकिन इन सभी फिल्मों में एक बात थी कि कुछ एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी। जैसे रॉकी और रानी का मैंने इसलिए जिक्र किया कि इस फिल्म के जरिए भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है, यानी कि हिंदी फिल्म का जो कार्यशैली है, जो वर्किंग वो स्ट्रक्चर है, वो भी थोड़ा बदल रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है। एक तो ये बदलाव, और दूसरा बदलाव ये कि जो एक वैचारिक मतभेद पैदा हो गया था, उस वैचारिक मतभेद को भी एक अलग, एक दक्षिणपंथी विचारधारा और एक जो है लिबरल, जो मैं कह सकती कि वो विचारधारा, ये दो ग्रुप में बटा हुआ हिंदी सिनेमा दिख रहा था। लेकिन कंगना रनावत का जैसा आपने कहा कि जो ट्वीट आया है, तो क्या वो जो एक खाई हो गई थी वो अब पट रही है और बुरा दौर हिंदी फिल्म से अब खत्म हो गया है? देखिए, ये सारी बातें जो आपने कही हैं वो सारी बातें आंशिक रूप में सच हो सकती हैं, लेकिन इनका कोई परमानेंट
को हम किसी परमानेंट पिक्चर पर इम्पोज नहीं कर सकते, किसी कोई परमानेंट फ्रेम नहीं है इसका। इसलिए क्योंकि अभी मान लीजिए कोई ऐसी फिल्म आ जाती, मान लीजिए कोई कश्मीर फाइल जैसी फिल्म आई थी, अब कश्मीर फाइल का कोई मान लीजिए दूसरा वर्जन आता है ना, केरल स्टोरी भी आ गई तो वो भी हिट हुई, केरल स्टोरी भी हिट हुई, कश्मीर फाइल भी हिट हुई। उसी तरह की कोई फिल्म अगर और आती है मान लीजिए और वो हिट हो जाती है, तो उस समय जो एक सेंटिमेंट होगा वो सेंटिमेंट आज के सेंटिमेंट से बहुत डिफरेंट सेंटिमेंट होगा, ठीक है ना। तो उन चीजों को लेकर के भी हमें ये सोचना चाहिए कि वो कोई परमानेंट मामला नहीं है। हाँ, एक फिल्म आई है और शाहरुख खान की फिल्म आई है और शाहरुख खान ने लगातार दूसरी हिट दे करके ये साबित कर दिया कि उनका पठान का हिट होना कोई एक मतलब कोई ऐसा कोई तुक्का नहीं था, वो एक उनका एक परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस को लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के जो बहुत सारे उनके विरोधी थे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो भी शांत हो गए हैं, और जो फिल्म इंडस्ट्री के बाहर भी जो उनके पॉलिटिकल विरोधी थे वो भी शांत हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि शाहरुख खान पर पर्सनल हमला करने से शाहरुख खान की पर्सनैलिटी खराब नहीं हुई बल्कि लोगों ने उनको और ज्यादा सराहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे उनके समर्थक नए आ गए जो कि दरअसल हिंदी फिल्मों में बहुत दिलचस्पी नहीं लेते थे। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग आ गए शाहरुख खान की फिल्म देखने के लिए जो मसाला हिंदी सिनेमा को पसंद ही नहीं करते थे, इनका मानना था कि हिंदी फिल्में कूड़ा होती हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने पठान और जवान को इसलिए पसंद किया क्योंकि वो शाहरुख खान की फिल्म है और उनको लगता है कि शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है। तो टारगेट किए जाने की वजह से बहुत सारे लिबरल लोग उनके साथ आ गए। जैसा मैंने कहा कि जवान भी जो है अपने ट्रीटमेंट में कोई बहुत विशिष्ट नहीं है, लेकिन उसकी एक जो मैसेजिंग है, और ये भी बात सही है, आपको ये भी बात बता दूं अपने दर्शकों को भी कि मैसेजिंग का जो मामला है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इस मामले में शुरू से मैसेजिंग के दायरे में ही चलती रही है। आप देखिए हमारी जितनी भी सोशल फिल्में रही हैं, जितनी पॉलिटिकल फिल्में रही हैं, या जितनी इवन एंटरटेनमेंट जो मतलब विशुद्ध मसाला फिल्म है, उसमें भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे लव स्टोरी अगर पहले होती थी तो उसमें लड़का अमीर है, लड़की गरीब है, या लड़की अमीर है, लड़का गरीब है, या लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है, और दोनों शादी करते हैं, तो इंटरफेथ मैरिज हो, चाहे वो इंटर क्लास वाला मामला हो, क्लास डिफरेंस वाला मामला हो, कहीं ना कहीं हम प्रेम को जीतता दिखाते थे, यानी हम ये मानते थे कि प्रेम जो है इन सारी बाधाओं को पार कर सकता है। तो वो जो मैसेज था, मैसेज हमारी हमारी फिल्मों में हमेशा से रहा है, भाई भाई का मैसेज, मिलजुल कर रहने का मैसेज। देखिए हर फिल्म में मैसेज तो यही होता ना, कॉमन मैसेज क्या है, हीरो जीतता है, हीरो जीतता है, विलेन मारा जाता है। तो जो हमारे हमारे समाज का जो है कि भाई राम जीतेंगे, रावण मारा जाएगा, रावण चलेगा, तो वो जो हमारा हमारा एक हमारा समाज जो है वो हीरो हीरो वर्शिप वाला समाज है, तो हमारे यहाँ हीरो हमेशा जीतता रहा है, इसलिए खलनायक जो है वो हमेशा उसका अंत ही दिखाया जाता है। तो मैसेजिंग तो हमारी फिल्मों में हमेशा से रही है और आज भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि हम समाज के तौर पर हमेशा ऐसी चीजों से प्रेरणा लेते रहे हैं कि हाँ जिनमें कुछ अच्छा बनने के, जो अंत में आपको ये दिखाते हैं कि भाई अगर आप बुरे हैं तो बुराई का अंत बुरा ही होगा, जब आप कितने भी ताकतवर क्यों हो। मिस्टर मोगैम्बो, आप एक सोचे ना, मोगैम्बो पूरी फिल्म में कहता है मोगैम्बो खुश हुआ, लेकिन आखिर में मिस्टर इंडिया यानी जो एक कॉमन मैन है दरअसल, और कोई नहीं है, एक कॉमन मैन है, वो कहता है कि मैं कॉमन मैन हूँ, वो कॉमन मैन जो है एक शक्तिशाली मोगैम्बो यानी एक खलनायक का सफाया कर देता है। तो कुल मिलाकर के ये दिखाया जाता है, ये भी एक किस्म का राष्ट्रवाद है, ये भी एक किस्म की हमारी पॉलिटिक्स, ये सिनेमा की पॉलिटिक्स है, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो एक आम भारतीय है वो किसी भी बड़े खलनायक से अकेले ही टकरा सकता है, उसको अकेले ही निष्ठनाभूत कर सकता है। तो ये जो एक किस्म का अवतारवाद है, ये अगर आप ध्यान दें तो अमिताभ बच्चन से शुरू हुआ था ये मामला, जब एक एंग्री यंग मैन पूरे सिस्टम से टकराता था और उस सिस्टम को वो घुटनों पर ला देता था, या उस सिस्टम को तोड़ फोड़ कर देता था, उसको तबाह कर देता था, जो खलनायक का सिस्टम होता था, उस व्यवस्था का कहीं ना कहीं वही चीज जो है आपको जवान में दिख रही है एक नई पैकेजिंग में। वो तो पैकेजिंग बहुत शानदार है, पैकेजिंग में शाहरुख खान को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, उनका जो पूरा मैनरिज्म है, अगर आप देखें तो जो फादर शाहरुख खान बने हैं, जो 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 कि जवान है, यानी जो मिलिट्री वाले शाहरुख खान है, उनको जब बुजुर्ग के रोल में हम देखते हैं तो बुजुर्ग के रोल में वो एक मोटा सा सिगार पी रहे हैं और वो सिगार उनके होठों में लगा हुआ है, उस सिगार से वो खलनायक के गाड़ियों में ऑयल टैंकर में आग लगा देते हैं उस, और वो अपनी एक बेल्ट उतार करके लोगों को मारते हैं। तो कहीं ना कहीं रजनीकांत का जो एक दक्षिण भारतीय एक जो कहना चाहिए परसोना है, वो कहीं ना कहीं उसको प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फिल्म का डायरेक्टर जो है वो साउथ इंडियन है। कोई भी फिल्म निर्माता या फिल्म का कलाकार ये नहीं चाहता कि उसकी फिल्म जब रिलीज हो तो ये किसी विवादों में आए, लेकिन पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि हिंदी फिल्मों को लेकर काफ़ी विवाद आए, फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग होने लगी, कुछ फिल्म के विरोध में उसके पोस्टर्स जलाए जाने लगे, देशद्रोही तक की जो संज्ञा है इन फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों को मिलने लगी, फिल्म के निर्देशकों को मिलने लगी। इन सब परिस्थितियों के बीच में जब शाहरुख खान इस तरह की फिल्म लेकर आते हैं
और वो ट्रोल नहीं होती है और उसको हर वर्ग से तारीफ मिलने लगती है, तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या अब हिंदी फिल्म को बख्श दिया गया है कि अब इसको जो है अच्छा कमाने दो, क्योंकि अब इनकी भी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी चरमरा गई थी और अब जो विचारधाराओं की जो लड़ाई है उसका ध्यान कहीं और शिफ्ट हो गया है। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री को बख्श दिया गया है या नहीं, ये हम जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई परमानेंट फ्रेम उसका नहीं तय कर सकते। ये आप कह सकते हैं कि फिल्म टू फिल्म तय हो सकता है या एक्टर टू एक्टर तय हो सकता है, और एक्टर की कामयाबी यानी उसकी फिल्म की कामयाबी और उसका कितना सोशल इम्पैक्ट है, क्या उसका सोशल मैसेज जाता है, इस पर बहुत कुछ तय हो, इससे बहुत कुछ तय होता है। जहां तक इस जवान फिल्म का ताल्लुक है, देखिए जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि बायकॉट ब्रिगेड जो थी, बायकॉट ब्रिगेड ने जब पठान का जो रिस्पांस देखा, पहले लोगों को लग रहा था कि पठान फ्लॉप हो जाएगी, शाहरुख खान जैसे लाल सिंह चड्ढा को फ्लॉप करार दिया बहुत सारे लोगों ने, इसलिए कहा, उसके पीछे कहा गया कि भाई लाल सिंह चड्ढा को इसलिए चली नहीं, वो चली इसलिए नहीं पाई क्योंकि जो बायकॉट ब्रिगेड थी वो सफल रही, जबकि हकीकत ये थी कि फिल्म की कहानी लोगों को समझ में नहीं आई या फिल्म का जो ट्रीटमेंट था वो लोगों को पचा नहीं, तो इसलिए वो फिल्म नहीं चली। लेकिन ये फिल्म जो है, क्योंकि हमने जैसा कहा कि इस फिल्म का पूरा कलेवर जो है उसका तेवर वो राष्ट्रवादी तेवर है, राष्ट्रवाद का मतलब ये कि आप अंततः देश के लिए काम करते हैं, और इसमें जो मैसेजिंग है वो हीरो जो है, जैसा मैंने कहा कि हीरो जो भी समस्याएं जो भी जिनकी तरफ इशारा उठा रहा है वो लोगों को इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि वो उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर घटिया घटिया स्वास्थ्य सेवा की बात कोई फिल्म उठा रही है और वो एक मेन स्ट्रीम सिनेमा उठा रहा है, यानी आप ये देखें कि ये सारे काम जो कि मीडिया को करने चाहिए, यानी कि जो पत्रकारों को करने चाहिए, हमारे आज के मुख्य धारा के मीडिया को करना चाहिए, वो काम अगर एक मेन स्ट्रीम फिल्म कर रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को ये स्ट्रेटजी पसंद आ रही है और पसंद आ रही है इसलिए फिल्म देख रहे हैं। तो अगर वो घोटालों की बात या एनपीए की बात एक फैक्ट है जो मैं जोड़ देना चाहती हूँ कि अभी G20 की जो बैठक दिल्ली में हो रही है उसे लेकर एक ये भी जानकारी सामने आई कि जो तमाम 20 मेंबर्स हैं उनमें सबसे कम किसी का स्वास्थ्य बजट है तो वो भारत का स्वास्थ्य बजट है। ये भी एक जानकारी है कि भारत में सबसे कम जो बजट दिया जाता है वो स्वास्थ्य को दिया जाता है। इन सभी 20 देशों में जो स्थिति है भारत की स्वास्थ्य बजट की वो सबसे कम है। जी सर, अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात पूरी करें। जी, तो ये जो आपने देखिए, अब ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है क्योंकि इसी से तय हो जाता है कि हम अपने भाषणों में नेता क्या कहते हैं या अपने प्रचार अभियान में क्या कहते हैं, प्रचार सामग्री में क्या होता है कि सबकी सबको शिक्षा सबको स्वास्थ्य वाली बात कही जाती है, लेकिन हम भी जानते हैं कि अस्पतालों में यानी सरकारी अस्पतालों में आमतौर पर जो सुविधाएं हैं वो उनका क्या स्तर है और किस तरह से मरीजों को जो है कितना परेशान होना पड़ता है, और प्राइवेट प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो कितने महंगे हैं, आम आदमी के बस का नहीं है कि वहां पर इलाज करा सके और राहत पा सके। तो वो जो सब अच्छी शिक्षा अच्छे स्वास्थ्य की बात कही जाती है वो मुद्दा जो कि समाचार पत्रों को और न्यूज चैनलों को उठाना चाहिए, वो अगर कोई फिल्म उठा रही है तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा काम है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि इस तरह के मुद्दे और व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन की बात या व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करके एक नया सिस्टम खड़ा कर देने की बात, वो एक आदमी को एक सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर देने वाली बात जो है, ये अवतारवादी सिनेमा जो है ये हमारे यहाँ बहुत समय से चल रहा है और अमिताभ बच्चन उस सिनेमा के कहना चाहिए शीर्ष पुरुष है, और अमिताभ बच्चन ही यानी एंग्री यंग मैन जब आया था कि एक आदमी होता है और वो पूरे सिस्टम को चुनौती देता है और सिस्टम से जीत के दिखाता है। अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह आप याद कीजिए कि वो एक पुलिस ऑफिसर होता है और दिन के अंधेरे दिन में वो पुलिस ऑफिसर है और रात के अंधेरे में वो शहंशाह बन करके सारी समस्याओं का समाधान करता है। तो ये जो फिल्म है जवान, जवान में उसी तरह के कुछ चीजें दिखाई गई हैं कि वो एक एक फौजी है और उसका एक बेटा है संयोग से जो कि जेलर है, तो और वो जेलर जो है वो रूप बदल करके तमाम तरह से लोगों की मदद करने की कोशिश वो समस्याएं उठाने की कोशिश करता है। उसका तरीका थोड़ा इंटरेस्टिंग है जी। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रहा है तरीका। एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि अपने आप को कंट्रोवर्सी विवादों से बचाए रखने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई, शाहरुख खान ने स्ट्रैटेजी अपनाई, कॉस्ट्यूम्स का ध्यान रखा या फिर डायलॉग्स में क्या शब्दों को रखना है, किन शब्दों से बचना है, ये सब दिखा आपको फिल्म के निर्देशन में? बेशक, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए पठान में क्या था कि वो एक बिकनी के रंग को लेकर के, पठान में ऐसा कुछ था नहीं, पठान में फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था कि जिसको आपत्तिजनक बताया जा सके, उस बिकनी में भी कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि उतना उसको एक कंट्रोवर्शियल बना दिया गया किसी कारण से तो वो सारी चीजों का इस फिल्म में निश्चित तौर पर ऐसा कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर किसी कोई ड्रेस जैसी कोई चीज नहीं, कुछ नहीं, जो दो हीरोइने हैं यानी दो जो नायिकाएं दीपिका पादुकोण और नयनतारा,
दोनों की किसी की भी कॉस्ट्यूम में कोई ऐसा आपत्तिजनक नहीं है, कोई स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है, कोई उस तरह का सीन नहीं है, कोई विवाद पर डायलॉग नहीं है, तो वो सारी की सारी बातें जो है वो ध्यान में रखकर के फिल्म बनाई गई है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, देखिए आपसे बात करते करते अचानक वो चीज याद आ गई, फिल्म का जो हीरो है, एक हीरो यानी जो बेटा शाहरुख खान है डबल रोल में, उसका नाम आजाद है और उसका जन्म जेल में होता है। उसकी माँ दीपिका पादुकोण उसकी माँ के रोल में, यानी शाहरुख खान की पत्नी, जो जवान शाहरुख खान यानी जो फौजी शाहरुख खान है उनकी पत्नी उसके रोल में, पत्नी के बनी है दीपिका पादुकोण। उनको किसी कारण से उनको उनको खलनायक की साजिश की वजह से फांसी की सजा हो जाती है और वो फांसी की सजा के तहत जो है वो जब उनको ले जाया जा रहा होता है तो अचानक जो है वो डॉक्टर कहती है कि प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट महिला को फांसी नहीं दी जा सकती। तो फिर कानून के तहत कहा जाता है कि भाई जब तक इनका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाएगा तक इनको फांसी नहीं दी जा सकती। तो जेल में बच्चा पैदा होता है और जेल में बच्चा 5 साल का होता है, फिर 5 साल के होने के बाद उसकी माँ को फांसी दी जाती है और जो जेलर होती है उस समय की वो उस बच्चे को बाल पोसकर बड़ा करती है। अब आप देखिए मैंने क्यों ये जिक्र किया कि हीरो जो है फिल्म का वो जेल में पैदा हो रहा है और फिल्म किस दिन रिलीज हुई है, जन्माष्टमी के दिन, और हम जानते हैं जन्माष्टमी में कृष्ण जी के बारे में हम जानते हैं कि उनका जन्म जेल में हुआ था, कारागार में हुआ था। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उन्होंने जानबूझ करके ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी जब फिल्म उन्होंने सोचा होगा, लेकिन ये भी इत्तफाक ही है, इसको अगर ये इत्तफाक है तो बहुत दिलचस्प इत्तफाक है कि फिल्म जिस दिन रिलीज हुई है देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार था और हम जानते हैं कि कृष्ण देव का जन्म कहीं ना कहीं, और वो दुष्टों का संहार करते हैं अपने ढंग से, कृष्ण अपने ढंग से दुष्टों से निपटते हैं और हमारा जो फिल्म का हीरो है यानी जो जेलर है और उसका पिता जो है वो, और कहीं ना कहीं आप देखें तो इसमें जो दो माएं हैं उसकी, एक जो उसको जन्म देने वाली माँ है देवकी और दूसरी जो उसको पालने वाली माँ है यशोदा जी, तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत स्मार्टली चुनी गई हैं, बहुत स्मार्टली चुनी गई है और बहुत स्मार्टली उनकी पैकेजिंग की गई है और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी शानदार है, उसको जिस तरीके से मार्केट किया गया। शाहरुख खान के बारे में पहले जो ट्रेलर्स आए उसमें कहा गया कि साहब ये देखिए शाहरुख खान के डायलॉग दिखाए गए जिसमें कहा गया कि जब मैं विलन बनता हूँ तो हीरो की भी छुट्टी हो जाती है, तो लोगों को लगा कि इसमें शाहरुख खान विलन होंगे, लेकिन इसमें शाहरुख खान विलन नहीं है, उनके अलग अलग गेटअप दिखा करके लोगों के बीच में ऐसा माहौल बनाया गया कि शायद इसमें 5 शाहरुख खान होंगे जो उसमें से कोई विलन होगा, लेकिन डबल रोल है शाहरुख खान का और उनमें से कोई विलन नहीं है, दोनों हीरो हैं, एक विलन है, दोनों हीरो मिलकर के किस तरह विलन का सफाया करते हैं यही इस फिल्म की कहानी है, उसको दिखाया गया बहुत दिलचस्प अंदाज में, ऐसा मैंने कहा एक्शन बहुत बढ़िया। हाँ एक चीज जरूर मैं कहूंगा इस फिल्म के बारे में, चूंकि हम बात कर रहे हैं, फिल्म के गाने जो है वो कमजोर है, गाने म्यूजिक जो है वो ऐसे नहीं है कि जो आपको फिल्म से निकलने के बाद याद रह जाए, जैसा कि आपने पठान का जिक्र किया, पठान का जो तो गाना था गाने को लेकर ही विवाद हुआ था, तो गाना जो है वो बहुत चर्चित हो गया था, है ना, जो बिकनी के रंग वाला गाना था जिसमें था बात थी तो वो गाना विवादित हो गया था, तो उसके अलावा और भी उसके जितने भी गाने थे सब बहुत पॉपुलर हुए थे और वो लोगों में काफी लोकप्रिय हुए थे, लोग उनको सुनते थे, वो गाने जगह जगह बजाए जाते थे, लेकिन जवान के गानों में वो बात मुझे नजर नहीं आई। हाँ ये जरूर है कि इस फिल्म में बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है कि निर्देशक एटली ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है, उन्होंने जैसा मैंने कहा कि विक्रम राठौर जो एक नाम है, विक्रम राठौर अगर जो लोग लगातार जो नियमित रूप से हिंदी फिल्में देखते हैं उनको याद होगा कि अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी राउडी राठौर, और राउडी राठौर का जो हीरो था उसका नाम था विक्रम राठौर, एक तो ये बात है। दूसरा इस फिल्म में शाहरुख खान मेट्रो ट्रेन को जब वो किडनैप यानी हाईजैक कर लेते हैं तो हाईजैक करने के दौरान वो गाना गाते हैं कि बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आएगी। अब ये गाना हम जानते हैं हेमंत कुमार का गाया हुआ गाना और ये बहुत पुरानी फिल्म का गाना है, एक तरीके से पुराने सिनेमा को कहना ट्रिब्यूट दी गई है। फिल्म के अंत में एक गाना बजता है रमैया वस्ता भैया, अब वो जो रमैया वस्ता भैया हम जानते हैं राज कपूर की फिल्म 420 के एक गाने का मुखड़ा है और उसी गाने में शाहरुख खान के मुझसे कहलवाया गया कि भाई पहले किया छैया छैया अब करे ताता थैया, तो छैया छैया हम जानते हैं कि उनकी फिल्म आई थी दिल से जिसमें उन्होंने डांस किया था छैया छैया ट्रेन के ऊपर, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी है इसमें जो दर्शक नियमित रूप से फिल्में देखते हैं। एक जाते जाते क्योंकि समय समाप्त हो गया है, रुकना पड़ रहा है अमिताभ जी, एक जाते जाते मैं आपसे समझना चाहूंगी बेहद ही संक्षिप्त एक लाइन में कि क्या नई दिशा अब, क्योंकि फिल्में आपने खुद कहा है कि देखा देखी जो है काफी फिल्मों पर काम किया जाता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, क्या अब इसी तरह की फिल्में बॉलीवुड में देखने को मिलेंगी और भी जो निर्देशक हैं वो कोशिश करेंगे कि समाज से जुड़े राजनीति से जुड़े जो मसले हैं उनको फिल्मों के जरिए सामने जनता के सामने लेकर आया जाए, क्या आपको लगता है कि बदलाव ला पाएगी? जी बिल्कुल होगी कि देखिए जैसे गदर 2 हिट हुई तो गदर 2 के बाद हमको मतलब ये उम्मीद करना चाहिए कि कुछ ऐसी फिल्में बनेंगी जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा भी आएगा और पाकिस्तान
अंततः खलनायक की तरह दिखाया जाएगा और वो फिल्म हिट होगी, वो फिल्म उस तरह से बनाई जाएगी। एक तो वो बात होगी, दूसरी जवान हिट हो गई है तो हमको ये उम्मीद करना चाहिए कि बहुत अब एक्शन फिल्मों का दौर लोगों को लग रहा है ज्यादा है। अमिताभ जी, पाकिस्तान को दुश्मन दिखा के तो बहुत सारी फिल्में बनी है, लेकिन चीन को दुश्मन नहीं दिखाया जाता, फिल्में नहीं बनती है, क्या क्या वजह मानते हैं आप? एक मेरे प्रश्न का जिज्ञासा है और क्योंकि फिर समय समाप्त हो गया है तो फिर विदा लेना चाहूंगी। जी देखिए, ऐसा है कि चीन के साथ हमारी भावनाएं भले ही दुश्मन जैसी हो, मतलब चीन के साथ हमने एक युद्ध हमारा हुआ और उस युद्ध में हमें नुकसान हुआ और हमें मतलब कहना चाहिए कि हमारा जो राज्य की सीमा थी उसका भी नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं जमीन का भी हमें नुकसान उठाना पड़ा। उसके बावजूद चाइना के साथ जो हमारा एक रिश्ता है उसमें तनाव के बावजूद वो बात नहीं है जो पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से कट करके बना है, तो वो एक जो फांस है जो हमारे एक राजनीतिक विचारधारा जिसको लगातार गहरा करती रहती है, वो उसके लिए वो एक बहुत जरूरी, क्योंकि पाकिस्तान का नाम आते ही आपको हिंदुस्तान का मुसलमान याद आता है और कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान का वो मुसलमान आ जाता है, तो वो हिंदू मुसलमान की थ्योरी भी उसमें आ जाती है। तो हिंदी सिनेमा पाकिस्तान मुसलमान ये लगातार एक सेंटिमेंट बना रहता है, पॉलिटिक्स में भी है और सिनेमा में भी बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने बहुत स्पष्टता के साथ जो है इस फिल्म ही नहीं बल्कि इस फिल्म के साथ साथ जो पूरी की पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है इसके बारे में भी मेरे सवालों का और दर्शकों की भी जो जिज्ञासाएं हुई होंगी इससे जुड़ी उसे भी जरूर शांत हो पाई होंगी ये जिज्ञासाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अमिताभ जी, आप आए चर्चा द ट्रूथ में। और अब इजाजत लेने का वक्त हो चला है, तो info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर आपके फीडबैक का हम इंतजार करते हैं। अगले हफ्ते चर्चा द ट्रूथ में एक नए विषय के साथ, एक नए मेहमान के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।